थ्रोबैक थर्सडे के साल पुरानी इस तस्वीर को देख अक्षय और करिश्मा को याद आ जाएगी अपनी ये फिल्म। बॉलीवुड में पुरानी बातें याद करना लोगों को काफी पसंद है, तो हमने सोचा आज थ्रोबैक थर्सडे में बात करते हैं अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर की। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय आज सुपरस्टार हैं। साल में अक्षय की कम से कम 3 फिल्में रिलीज होती ही हैं। वहीं करिश्मा कपूर अपने समय की सबसे हिट एक्ट्रेस में से एक थी, वो सुपरस्टार थी। उन्होंने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, या यूं कहें उनके साथ हर एक्टर ने एक नहीं कई फिल्में की। हालांकि शादी के बाद करिश्मा ने फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया। थ्रोबैक थर्सडे में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर की ये फोटो। अक्षय और करिश्मा की ये फोटो इंस्टा बॉलीवुड फैंस क्लब ने शेयर की है। फोटो में अक्षय ने करिश्मा के कमर पर हाथ रखा हुआ है और पोज दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर कब की है, तो आइए आपको बताते हैं। अक्षय और करिश्मा की ये तस्वीर है 1997 में आई फिल्म लहू के दो रंग के गाने हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने की 21 मार्च को 1997 में रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। अक्षय और करिश्मा की इस फिल्म ने 56 करोड़ कमाए थे। अक्षय कुमार के साथ करिश्मा कपूर ने लगभग 10 फिल्में की, सभी फिल्में पसंद की गई। उस समय करिश्मा कपूर सुपरस्टार थी और अक्षय कुमार भी करियर में आगे बढ़ रहे थे। लहू के दो रंग को मेहुल कुमार ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में अक्षय करिश्मा के अलावा नसीरुद्दीन शाह और फराह नाज भी अहम भूमिका में थे। तो इस बार थ्रोबैक थर्सडे में बात हुई अक्षय और करिश्मा की। अगले हफ्ते लेकर आएंगे किसी नए स्टार की यादों के झरोखे से कुछ खास।